ने एक बरतानिया कसम चौकिया ने कभी किसे फोन करके नहीं पूछा तू जिउंदा के मर गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज काफ़ी दिनों के बाद यार व्लॉग बनाने का टाइम मिला है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को जो सऊदीया में लेबर लाइफ है, जो यहाँ पे लेबर्स तबका जो पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, मुख्तलिफ मुल्कों से बेचारे आते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं, तो वो लोग काम तो खैर लेबर का बहुत मुश्किल होता है, नो डाउट। उनकी जो रिहाइश का होती है ना, जहाँ पे वो रहते हैं बेचारे, आप लोगों को वो भी मैं दिखाता हूँ। जो सऊदीया में रहते हैं उनको तो पता होगा, या जो सऊदीया से होकर गए हुए हैं उनको भी पता होगा, लेकिन जो लोग सऊदीया से बाहर हैं, कभी उन्होंने देखा नहीं है कि क्या सूरत हाल है, तो मैंने सोचा चले आपको मैं दिखाता हूँ कि सऊदीया में जो लेबर लाइफ गुजरती है, लड़के लोग कहाँ यहाँ पे किस तरह रहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ रिहाइश की तरफ और आपको साथ ले चलते हैं। अच्छा भाई, ये है इंडस्ट्रियल एरिया, मैं अभी यहाँ से आया हूँ और यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। तो हमारी जो अकोमोडेशन, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अकोमोडेशन जो है वो करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में। वहाँ पे सिर्फ हम लोग ही नहीं रहते, हमारे एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में कोई 20-25 कंपनीज के एम्प्लॉयज रहते हैं। ये सामने आ गई है, आपको दिखाते हैं यहाँ से। इन लोगों के बहन भाई, माँ बाप जो हैं वो तो, या बच्चे आल औलाद जो भी यहाँ से रहते हैं, पापा सऊदीया गए हुए हैं, वो पता नहीं बेचारे पापा यहाँ सऊदीया में क्या कर रहे हैं और किस तरह कमा रहे हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि इन लोगों की लाइफ कैसी है। और ये देखें, तार पे कपड़े डले हुए हैं। आप लोग इन लोगों की लाइफ देखें और अब अपनी लाइफ के साथ कंपैरिजन करना कि आप लोग वहाँ पाकिस्तान में किस कदर अयाशियाँ कर रहे हैं और ये यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं। ये रिहाइश है जो बहुत सारी कंपनीज के लोग रहते हैं यहाँ पे, करते हैं काम। ये तवाब भी इधर ही है, आ जा आ जा आ जा। तवाब को भी हमने इधर ही रखा हुआ है बेचारे को, क्या करें अब। चाबी कमरे रूम की, शाबाश बिलाल जाग रहा। अब ये यहाँ पे तकरीबन कुछ बंगाली, ये सारा बंगाली कहलाते हैं, ये सारे बंगाली हैं। अच्छा भाई, ये सारे बंगाली रहते हैं। और इधर, अच्छा इधर ये हम नहीं रहते हैं, ये अपनी भी अफगानी भी, वो इंडिया, वो इंडियन है, खाली है। अच्छा, ये अफगानी है, यहाँ पे अफगानी रहते हैं। ये देख ले रिहायशें, आप लोग वहाँ महलों में रहते हैं और ये लोग बेचारे यहाँ पे रियाल कमा कमा के आपको भेज रहे हैं और आप लोग अयाशियाँ कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कमरे को ओपन कराऊँ, ये देखें, आपको एक मंजर दिखाता हूँ। ये देखें, ये कपड़े वॉश करके यहाँ पे सूखने डले हुए हैं बेचारे, काम से आके मशीनें भी लगाते हैं और हांडी रोटी भी पकाते हैं। ये हमाम है, लेकिन हमाम जो है ना वो अंदर जाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वो बहुत ही गंदा है और स्मेल आ रही है। और ये इन्होंने लॉन्ड्री बनाई हुई है जहाँ पे ये लोग, देखें मशीनें लगी हुई हैं हर बंदे के, हर इमेल में सारी हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है ना उनकी मशीनें हैं। ये फ्रीजर ही मेरा ख़राब हो गया था, और हालत देखें यार यहाँ पे, ये बेचारे यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं। और पीछे घर वालों को पता भी, जी हमारा बेटा जी सऊदीया होता है और बाबा हमारे सऊदीया होते हैं। हम लोग भी ऐसे ही थे जब मैं बचपन में था,
मैं भी यही समझ रहा भाई अब्बू सऊदीया में होते हैं, पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं, ये नहीं पता कितने पना कमा तो रहे हैं लेकिन किस तरह कमा रहे हैं ये नहीं पता। ये देखें कपड़े सारे सूखने डाले हुए हैं। इधर हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ अगर खुला हुआ है कि नहीं। ये सब सो रहे हैं, सारों ने अपने अपने चादरें बिछा के इस तरह लोग सब सोते हैं। सब्जियां प्याज, ये पूरा एक ट्रेन का डब्बा लेके दिया हुआ है लोगों को। दूसरे कमरे में चलते हैं, एक ये हमने कमरा लिया हुआ है, ये मिस्टर शफीक है इंटरनेशनल, ये हमारी कंपनी के करता धरता, आप इनसे मिल चुके हुए हैं पहले मेरे काफ़ी ब्लॉग्स में। तो ये शफीक भाई का कमरा है, ये देखें ये डिस्पोजिबल अलमारी होती है जिसके अंदर इन लोगों ने कपड़े वगैरह, ये मैं भी जब सऊदी आया था नया नया तब मैंने ये लिया था यहाँ पे। हाँ कोई मसला नहीं भाई, ये ऐसे ही करते हैं, मैंने भी ऐसे लिया हुआ था। ये देखें ये रूम है भाई इनका छड़े छाट, ये इंडियन है, और ये माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये देखो ये चलता है एलईडी एलसीडी चलता है, क्या बात है भाई। तो आए आपको किचन की ज्यारत करवाते हैं इनकी, कोई बात नहीं। वो कह रहे यार बहुत खराब बना ही दिखाओ, मैंने कहा यार यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि दिखा रहे ये किस तरह खराब खराब रह रहे हैं। ये देखें यहाँ पे बिल्लियां भी रह रही हैं बेचारी, ये कौन है सुते हैं ना? अस्सलाम वालेकुम, आदा अहो यमनी इब्राहिम, ये भी हमारी कंपनी के हैं बंदे हैं। लेश माफी नोम फेन मुकेश शगल शगल सही बात है। एक कमरा हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज में ये भी है जिन्होंने कपड़े सुखाए हुए हैं, ये नेपाली रहता है यहाँ, ये शिवा है ये है मिस्टर शिवा, और ये है मिस्टर रामेश, ये नेपाली भाई हैं हमारे, और ये यहाँ पे इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ दोनों। चलो सोचो 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 ये देखें ये है मिस्टर जलाल इंटरनेशनल, अपनी बीवी से बात कर रहा है, ये भी यमन यमन का बशिंदा है, और किफालक वैस ये देखें कहाँ पे रह गए हरमन अच्छा जी तब आप किधर गए हो? हाँ ये है भाई इनका किचन। अब हर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपना अपना अलग किचन पकड़ा हुआ है। ये यहाँ पे मेरे में बर्तन धोते हैं, बर्तन धोते हैं यहाँ पे बर्तन धोते हैं, देखें यहाँ पे बिल्लियाँ भी हैं, बिल्लियाँ पहले आ गई हैं। नेपाल किचन, ये नेपालियों का किचन है, ये शिबा का, अच्छा ये जितने भी नेपाली हैं ये सारा उनका किचन है। ये हालत देख रहे हैं भाई, कदर करो खुदारा अपने अपने जितने भी आपके भाई बहन बाप दादा चाचा जो भी आए हुए हैं ना कमाने के लिए, उनकी खुदारा कदर करो। ये देखो ये किस तरह रहते हैं यार यहाँ पे, ये इस तरह रह के पैसे बचाते हैं, ये कंपनी की तरफ से फ्री अकोमोडेशन मिलती है ताकि इनके पैसे ना लगें। ये भी देखें किचन का हालत, ये देख रहे हैं ये तो फिर कुछ कदरे बेहतर है, ये इंडियन से रखा हुआ है, और ये देखिए चावल बने हुए हैं, इसके नीचे कुछ सब्जी होगी, ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, बैंगन लग रहे हैं, तो आलू बैंगन लग रहे हैं, आलू बैंगन लग रहे हैं मुझे तो यार, ये कड़ी है इनकी कोई,
वो देखें फ्रीजर है और उसको ताला लगाया हुआ है, चेक करें क्या सूरत हाल है। यार खुदा रहा, आप लोग कदर करो अपने। मैं मुझे कसम से अभी पता लगता है। हाँ नहीं नहीं खाना मेरा सोम है, मेरा सोम है। मेरे वालिद साहब यहाँ पे काम करके गए हैं ना यार, तो मुझे नहीं था पता कि यहाँ पे इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये पाकिस्तानी किचन है, पाकिस्तानी का किचन है, ये सारा पाकिस्तानी का किचन है। पहले मैंने आपको दिखाया नेपालियों का, फिर इंडियंस का, यानी कि हर नेशनलिटी के बंदों ने अपने अपने किचन अलग अलग रखे हैं। ये सूरत हाल है भाई। मेरे वालिद साहब यहाँ पे 38 ईयर्स रहे हैं। हम लोग समझते रहे पता नहीं वाह जी वाह, सऊदिया में याशियाँ मौजें, जहाज पे आना जहाज पे जाना, और जब आना फिर शॉपिंग करके लेकर आना, हमने जो ऑर्डर देना अब्बा जी को, अब्बा जी ये ले आओ, अब्बा जी वो ले आओ, अब्बा जी ने बेचारे अपने किस तरह कमा के ले आना करना। औलाद की तो ख्वाहिशें भाई हर बाप पूरा करता है। लेकिन जब मैं 2012 में सऊदी आया ना, तब मुझे पता लगा कि यार यहाँ पे जिंदगी कैसी है, कितनी मुश्किल है। ये देखें, ये मिस्टर तवाब को हमने साइकिल लेके दिया था आने जाने के लिए, अरे भाई जान ने यूज नहीं किया। और ये है तवाब का कमरा, ये देखें यहाँ पे इंडियन सो रहा है, उसने ब्लैंकेट लिया हुआ ताकि कवर करे सारा कुछ, कोई डिस्टर्ब ना हो। वो बिलास हो रहा है, ये तब्बे का बेड है, और ये उनके सारे अटैची वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ें। ये फ्रिज है, और दो दो एसी लगे हुए हैं, विंडो भी सेपरेट थे। आ जाए भाई चलते हैं बाहर। मेरे दिखाने का मकसद आपको ये है कि यार फिर दोबारा वही बात करूँगा कि यार कदर करें यार, खुदा रहा जो अपनी फैमिलियों से कई कई साल दूर रहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ कि आप लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सको, सिर्फ आप लोगों की अच्छी ज़िंदगी के लिए कि आप लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सको, अच्छे जो बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, और आप लोग आसाइश की ज़िंदगी गुजार सको। तो ये लोग आप लोगों की आसाइशों के लिए अपने आप को इस तरह रखते हैं यहाँ पर कि जिस कदर हो सकता है ये लोग अपनी सेविंग बचाते हैं आप लोगों के लिए, एक एक रियाल एक एक हलाला बचा बचा के। महीने के एंड में इन लोगों को टेंशन होती है कि यार घर में खर्चा भेजना है, तनख्वाह मिली है नहीं मिली, किस तरह कमा रहे हैं किस तरह नहीं कमा रहे, बस ये सूरत हाल चल रही है। और पता नहीं किस तरह बेचारे यार ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आपके सामने मैं दिखा दिया, ये बेसिकली अकोमोडेशन जो होती हैं ये कंपनी की तरफ से फ्री होती हैं, सारा कुछ फ्री है, सिर्फ आपने खाना पीना जो है अपना खुद करना है, और खाने पीने के भी ये लोग पैसे देते हैं हर एम्प्लॉय को 200 रियाल 300 रियाल पर मंथ। तो ये सिलसिला है भाई मेरे, आप लोगों से यार बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी चाहने वाले आप लोगों से परदेश में बैठे हुए हैं और कई कई साल बैठे हुए हैं, उनकी कदर करो यार, उनकी कमाइयों की कदर करो, उनकी कमाइयों को उजाड़ो नहीं। वो पता नहीं किस तरह पसीना भागे कमा के आप लोगों के लिए भेजते हैं। तो खैर मैं अभी चलता हूँ दफ्तर, और वापसी में फिर आपको एक और भाई हैं उनकी अकोमोडेशन भी लेके जाता हूँ, और वो दिखाता हूँ कितने एजड हैं और किस तरह अभी तक काम कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वो 16-17 घंटे काम करता है बंदा, दो दो शिफ्ट लगा रहा है, और अपना कफील्स के साथ उसका फटा चल रहा है। कफील ने 3 साल से उसका इकामा तजदीद नहीं किया, रिन्यू नहीं किया। यहाँ पे ये शीशे की फैक्ट्री है, और वो बंदा किस तरह रह रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो दो दो शिफ्टें लगाता है, 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 8 घंटे एक कंपनी में, फिर रात को 8 घंटे एक कंपनी में, और घर खर्चा भेज रहा है। घर वालों को नहीं पता वो बेचारा यहाँ पे किस तरह रह रहा है किस तरह कमा रहा है, लेकिन घर वालों को ये ज़रूर पता है कि हर महीने के एंड में घर वालों ने उसको फ़ोन कर देना है कि भाई पैसे ख़त्म हो गए हैं पैसे भेज दो।
उस बंदे ने पता नहीं किस तरह पैसे उठाने हैं, किसी से लेने हैं या मिलने हैं, या कभी सम टाइम तीन तीन चार चार महीने तनख्वाह ही नहीं मिलती, लेकिन उस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेरे बाप के साथ भी यही था, मेरे बाप ने भी महीने का एंड में, महीना एंड होना करना, उनको फिक्र होनी करनी यार घर में बच्चे हैं, पढ़ाई है, खर्चा करना है, तो भेजो। खैर चलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ क्या यहाँ पे सूरत हाल चल रही है। ले जी मैं आया हूँ अभी जमान साहब से मिलने यहाँ इनकी फैक्ट्री में। अस्सलाम वालेकुम जमान साहब, दी ग्रेट, की हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ही सुनाओ। अच्छा जमान साहब जी लगवा के आए हैं वैक्सीन की सेकंड डोज, तो उसके बाद इनकी हालत टाइट हुई पड़ी है। ये जमान साहब हैं जी, ये मेरी जो पुरानी कंपनी थी, जो मेरी कंपनी है ना, मेरी फैक्ट्री जो है उसके साथ वाली फैक्ट्री में ये काम करते थे, वहाँ से इनसे सलाम दुआ शुरू हुई। इनकी फैक्ट्री बंद हो गई, कफील ने कामा तीन साल हो गए कफील ने कामा रिन्यू नहीं किया, और फिर इनको मैंने अपने पास पार्ट टाइम थोड़ा बहुत काम करवाया, तब से इनसे मेरे साथ सलाम दुआ है। और अभी इन्होंने कफील पे केस किया हुआ है, कितने अरसे हो गए, साल हो, आठ नौ महीने हो गए केस किया हुआ कफील पे, और अभी कफील कहीं इनको थोड़ा बहुत खर्चा देना शुरू किया है, लेकिन तीन साल से इनको खर्चा नहीं दिया था। इन्होंने यहीं पे कभी कहीं जॉब कर ली, कभी कहीं जॉब कर ली, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, लेबर काम कर लिया, तो इस तरह इन्होंने गुजारा किया। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ इनके रिहाइश का बंदोबस्त, या रिहाइश यहाँ पे किस तरह रहते हैं ये बता दिखाता हूँ। ये इनका कमरा है जी, छोटा था पहले, तो देखें ये एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो इनके कफील की ही है, पहले ये हमारे घर के हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल साथ थी, अभी जो सेकंड शिफ्ट कर ली है, और ये इस पूरी फैक्ट्री में अकेले रहते हैं। दिखाओ जी, मैं आपको दिखाऊँ जरा इनके कमरा कि ये यहाँ पे किस तरह और किस कमरे में रह रहे हैं। ये देखें, ये एंटर होने से पहले ही ख़त्म हो गया, ये आपको समझ आ रही है? इनके जो बच्चे हैं ना, ये कहते हैं हमारा बाबा प्रोफेसर लग गया इन्हें उसे बाबा को पता नहीं है कि बाबा यहाँ पे किस तरह रह रहा है, किस तरह कमा रहा है। और ये इनका कमरा है, ये मैं आपको एक पहलू दिखा रहा हूँ, इसके अलावा दूसरा पहलू भी है जो आपको नजर आता है, बहुत पॉश एरिया भी है, लोग जो अफोर्ड करते हैं, जिनकी अच्छी सैलरीज हैं वो लोग भी हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा हैं। ये जी सात अटैच वॉशरूम है इनका छोटा सा, और इस पूरी फैक्ट्री में ये अकेले रहते हैं। किचन वगैरह कितने पे जवान साहब, आओ दिखाओ जरा किचन, ये बंदा अकेला रहता है जी इस फैक्ट्री में। जवान साहब कितों की रिहायशी हो तुम, पाकिस्तान गुजरा वाले गखड़ दे साइड ना, ये हमारे जी ग्राई समझ लें, तो इनसे काफी सामदा हो गई है। कितने साल हो गए जवान साहब सऊदी आए, शुरू तो स्टार्टिंग तो 20 साल हो गए ना, ये बंदा 20 साल से इधर काम कर रहा है। कितने बच्चे ने जवान साहब, दो बच्चे, दो मुंडे, एक ती, तो किस तरह गुजारा बसारा हो रहा है? चलो जवान गुजारा बसारा गल करनी है जवान साहब ने अंदर जाके। ये जी इनका वॉशिंग मशीन एक कफील ने रख के दी हुई है, और बस ये सिलसिला चल रहा है इनके साथ। इस तरह के कई और भी हैं, दोनों पहलू हैं भाई, अच्छे जो कमाने वाले हैं, जो फैमिली के साथ रहते हैं वो लोग भी हैं, जो मजदूर तबका है जो अकेले छड़ रहते हैं वो लोग भी हैं। तो ये देखें, ये इनका एक किचन है जहाँ पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। की पक रहे जी माशाल्लाह, केड़ी दाल है जी, मूंगी मसल, अच्छा ए चावल ने, वाह जी वाह, तड़के वाले चावल, बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं जी जवान साहब, खुद ही पराठे बनाते हैं, खुद ही रोटियां बनाते हैं, खुद ही आटे शाटे गूंथते हैं। ये एक छोटा सा किचन लेके दिया हुआ है,
अकेला बंदा बशर इधर है, चलते हैं कमरे में, इनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं। अच्छा भाई, जमान साहब से थोड़ी सी बातें करेंगे। जमान साहब पहले आए 200 के 20 साल दानू हो गए ने, इतने आए ने ते दो बेटियां ने, एक बेटे, दो बेटे ने एक बेटी है, तो बच्चे बड़े ने कि छोटे ने, कमान जो माशाल्लाह 20 साल पढ़ते नहीं निकला, कमान जो 18 साल का है। अच्छा, बच्ची 11 साल की, तो बच्चा तो उन्होंने हाय वाली कमा रहे हो। एक बच्चा इनका एबनॉर्मल है थोड़ा सा ना, तो अच्छा 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 अल्लाह ताला खैर करे। तो किस तरह से सिलसिला चलता पे तोड़ा, किस तरह गुसर बसर हो रहा है कफील ना, ताड़ी अनबन हुई है की दे रहे तनु कफील दा, 9 महीना हो गया, महीना तो हो गया, तो 1800 रियाल था हासु। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1,80,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ। ਕਫੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਫੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 10-15,000। ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਫੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਭੇਜ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 6-7 ਘੰਟੇ ਕਰੀ 8-10 ਘੰਟੇ
कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ये बंदा 20 घंटे काम कर रहा है, कितना कमा रहे हो 20 घंटे? 3 भरा कि 3 भरा यूरोप ने 2 स्पेन ने 1 बरतानी है। समझो क्या ने कभी किसे फोन करके नहीं पूछा, तू जिउंदा के मर गए? भैन भरा सब तो वड्डे भरा ने, 12 खादियां ते ओना वास्ते इन्ना ने इन्ना कमाया, इन्ना इन्ना इनकी उन्हें पढ़ाया लिखाया ब्याह कराए, सारा मेरे अब्बे वाला हिसाब है। मेरे अब्बे ने भी सारी जिंदगी सारे जो और मेरे भरावां को मारा भी खादियां, बीवी बच्चों में सही मारिया, जब ये यहाँ पे आए थे ना सऊदीया में, तो ये बल्दिया का काम करते थे यहाँ पे, जो कूड़ा उठाते हैं चूड़े जो काम करते हैं ना, वो काम करके इन्होंने अपने बहन भाइयों को पाला पढ़ाया लिखाया, और आज ये हालात है कि बहन भरा खुश रखे खुश रखे अल्लाह ताला तावन या सारी जिंदगी जिन्ना बंदा मेरे कोल बैठे है, अल्लाह दी जात, अल्लाह दी जात होंदी है, उन्हें नहीं मारना, जिन्ना को ना दे मानदे इन्ना बंदे ने साडे ना तावन कीता है, शायद इन्ना सके भी ना करा, अल्लाह ताला तावन करा, ईमानदार दी गल कोई मुश्किल बनदी है इन्ना ने कोल टोडी ना साडी या मुश्किल साडी भई नु हल करा, अल्लाह ताला तो इंशाल्लाह इन्ना इन्ना नाम ही अली है, जज्बात ने ना बंदे आखन दो मेनू जिन्ना तुसा कीता शायद इन्ना सच्चे भरा भी ना करन, जिन्नी दुआ साडे मुंहों निकलदी अल्लाह पाक तुहाडी आल औलाद नूं तुहाडी सेहत दे दे, दुआवां करिया करो साडे वास्ते वी, होर सानूं कुछ नहीं ते असीं ईमानदार दी गल कोई दुख सुख होवे, अज वी मैं गल करन जाणा सी लेकिन तुसीं पहलों आ गए, अल्लाह पाक तुहानूं जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, आमीन आमीन। बाकी ओह तुहाडा गल करना मैं इक, अल्लाह ताला खैर बाद विच, बस यार वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ना सुनते आ ले आप लोग ना, बस ईमानदार दी गल कदी खाना खाईदा कदी नहीं खाईदा, कार पैसे पहुंचाने ने, कार पैसे 20 बच गया 25 बच गया ना लब्बे, पानी उबाल के भाई पट्टी पा के ना वो के खुबस बे भी खा रहे हैं, अभी तक कोई अपना वक्त है गुजारा करना जिम्मे हो सकता। ये जो बातें आपको बताई जा रही है ना यहाँ पे, आप ये समझें कि बहुत अक्सरियत इस चीजों की इन ऐसे लोगों की है,
आपको जो टीवी पे या मैं भी सम टाइम आपको जो व्लॉग सिखाता हूँ, जो अच्छी सैलरीज कमा रहे हैं या अच्छे पैसे कमा रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो एक पहलू अलग है। जो पॉश जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग, मीडियम मीडियोकर हैं हम लोग, यानी कि मीडियम तबके से लोग हम लोग ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जो लोअर तबके लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और ज्यादा मेहनत उन्हीं की होती है, ज्यादा मेहनत वही करते हैं। हम लोग तो एसी में बैठ के काम कर लिया और कर लिया कमा लिया, सही मेहनत के हकदार ये लोग होते हैं। अल्लाह ताला इनको सबर दे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, जिंदे वास्ते रहो। और उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और जब आपको आपके इस जैसे अपने पैसे भेजा करें ना पाकिस्तान, पैसों को चूम के ना फिर सोचा करें कि यार ये पता नहीं किस कमाई से ही पैसे आए हैं, और किस तरह उसको उसकी कदर करें, उसकी खुशबू होंगे कि किस किस पसीने की खुशबू से इन्होंने पैसे कमाए हैं, कितना पसीना बहा होगा और किस तरह इन्होंने किया होगा। तो बस कहने के बाद ये कि कदर करें और अपने उन लोगों की पैसों की कदर करें, बचाएं उनको ना कि उजाड़ें उनको। गल ये तुसी साडा करदे हो, साडे पिछे आउंदे हो, बंदा कसम अल्लाह दी दुआ निकलदी है। अल्लाह ताला आपका सब कुछ जाया खैर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आगे तक लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को असलियत का पता लगे कि यहाँ पे ये तबका भी है जो इस तरह जिंदगी गुजार रहा है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जमान साहब की बात सुन ले आखिरी, अल्लाह हाफिज करते हैं। अल्लाह बच्चा बीमार है उनकी दुआई तक मैं नहीं कर सकता, फिर उनकी माँ का इलाज कराया, उन बच्चा बीमार है। ये मेरे 3-4 साल से यहाँ पे छुट्टी नहीं गई अभी तक, 4 साल हो गए, नहीं 4 साल हो गए, 5-5 साल लगा हुआ छुट्टी नहीं गया। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, आप सब दुआ करें इनके लिए और इन जैसे बहुत सारे भाइयों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को मसाइल को दूर करे, और सबको पाकिस्तान में ऐसे वसाइल बन जाए कि सारी दुनिया जो यहाँ पे धक्के खा रही है पाकिस्तान में जाके अपना कारोबार करे, कोई रोज सिलसिला चल रहा है, सिलसिला माश चल जाए, ताकि वो अपनों के साथ कम अज कम रात को बैठ के रोटी तो खाए। तो खैर मिलते हैं दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।